Hi, good morning. Hi, good morning. Can you see me? Can you hear me? नया चैप्टर पढ़ेंगे. Hi, good morning. मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी तभी पढ़ोगे ना जब एनिमल टिश्यू आ जाएगा. वत्सल गुड मॉर्निंग एवरीबडी. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, ऐसा है कि नया चैप्टर शुरू हो गया, बधाइयाँ हो. इकोलॉजी हो गई है ख़त्म. अब एनिमल टिश्यू करके आज, मतलब अभी एनिमल टिश्यू ख़त्म करके एक दो चार दिन में, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग शुरू कर देंगे और इसी प्रकार से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी. मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और आप क्रैश कोर्स लगा रहे हैं नीट 2021 के लिए. हमारे क्रैश कोर्स में बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, तीनों क्लासेस होती हैं हर रोज़ सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे के आसपास तक. चलिए शुरू करते हैं. यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए. टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए पहले, फिर @perfectionist डाल दीजिए, @ritu ratewal डाल दीजिए, आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर जाएंगे. ये दो चैनल्स आपने ज्वाइन करने हैं. देन यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 2021-2022-2023 की तैयारी के लिए, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. इसमें फ्री क्लासेस भी होती हैं इस ऐप में, तो वो तो कर ही लीजिए ना. इंस्टॉल कर लीजिए इसको, नीट UG पे जाइए, प्लस कोर्स पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए. अपने समय को चूज़ कीजिए, आप 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल 2 साल, कितने समय के लिए पढ़ना चाहते हैं, और कोड डालिए RITU टू गेट अ 10% ऑफ. 10% ऑफ आपको सभी कोड से सिर्फ फेब में मिल रहा है. मार्च में ये कोड सिर्फ आपको 5% ऑफ देगा. चलिए ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एनिमल टिश्यू, आओ देखते हैं. छोटू सा प्यारा चैप्टर है, कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे. ठीक है, इस चैप्टर के एक्चुअली दो पार्ट है. चैप्टर का NCERT नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, सो दो पार्ट हैं इसके. एनिमल टिश्यू चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एनिमल टिश्यू और कॉकरोच. हम पहले एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर कॉकरोच. ठीक है, आज अपना एनिमल टिश्यू का नंबर आया है. सो पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए क्या टिश्यू होता है, कितने प्रकार का टिश्यू होता है. तुम लोगों को पता है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करें अगर इस संसार में, तो सबसे पहले सेल आए, सेल्स ने जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाया, टिश्यू ने जुड़ जुड़ के ऑर्गन बनाए, फिर ऑर्गन्स ने जुड़ के ऑर्गन सिस्टम्स बनाए, एंड देन ऑर्गन सिस्टम्स ने जुड़ जुड़ के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया. ये अपन नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं, है ना. ऑर्गेनिज्म से आगे अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना. ऑर्गेनिज्म से अपनी पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से बायोम बना, बायोम से बायोस्फीयर बना. इससे आगे अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं अपने सिलेबस में. ये वाली बात क्लियर है सबको, ये वाली बात क्लियर है. अब सुनो, सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ सेल के लेवल पे ही रह गए, वो सेल से आगे कभी टिश्यू बना ही नहीं पाए, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटिस्टा. ये सेलुलर लेवल पे ही रह गए, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे एडवांस हुई, सेल्स ने जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाया, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास टिश्यूज तो होते हैं लेकिन टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनते. जैसे अपा ह्यूमन बींग्स, अपा तो कतई एडवांस है ना, अपा तो सेल्स से जुड़ के टिश्यू बन गए, टिश्यू से जुड़ के ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से जुड़ के ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, फिर ऑर्गेनिज्म बन गया. मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ. जैसे अपना क्या है, अपने पास एनिमल्स, जैसे एडवांस्ड एनिमल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स, सेल से जुड़ के टिश्यू बन गए. ठीक है, अब टिश्यू की डेफिनेशन थोड़ा सा अपने को पता होनी चाहिए. क्या होती है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. यहीं पे लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं लिख दूँ. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, पहला सेंटेंस तो ये तुम्हें आना चाहिए. सेम सेल्स नहीं, सिमिलर सेल्स, अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर मटेरियल, अलोंग विद देयर
इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दूसरा सेंटेंस ये आना चाहिए। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर हैं, सेम ना भी हो तो चलेगा, उनके साथ साथ में जो सेल्स के बीच में मटेरियल पड़ा होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल, ये होता है। किसी टिश्यू में ज्यादा होता है या किसी में कम होता है इंटरसेलुलर मटेरियल, ये नाम से बचा ना, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। पहली बात तो ये डेफिनेशन आनी चाहिए। इतना समझो हो, सेल्स से जुड़ के, जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, फिर सेल्स से जुड़ के टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है, कुछ सिमिलर सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और उनका इंटरसेलुलर मटेरियल भी साथ में ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगते हैं। चार प्रकार के टिश्यू, ये चैप्टर पूरा टिश्यू लेवल पे है ना, चार प्रकार के कौन से ह्यूमन बॉडी में टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। फिर इन्हीं टिश्यूज से मिलके, मैं तुम्हें लिखाती हूँ चार प्रकार के आगे टिश्यू कौन से। टिश्यू फर्दर इन एनिमल्स, प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, देखो प्लांट टिश्यू कतई अलग है। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर मेरी तरफ ध्यान से, यहाँ पे फोकस इन माई आईज। प्लांट टिश्यू अपन पढ़ते प्लांट एनाटॉमी में नहीं पढ़ते, मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है वहाँ पे, परमानेंट टिश्यू होता है ना। फिर मेरिस्टमैटिक में एपिकल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है, ऐसे ऐसे डिवीजन कर देते हैं अपन। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है बताओ, जाइलम फ्लोएम, याद है, सिंपल परमानेंट, कंपाउंड परमानेंट। तो प्लांट्स के टिश्यूज अलग हैं, अपन प्लांट्स के टिश्यूज की बात नहीं कर रहे, अपन एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनिमल टिश्यू जो है वो चार प्रकार के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ये मन से लर्न कर लो, जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में वो भी इतनी बातें लर्न कर लो जो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन यही से ही आएगा। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये चार प्रकार के टिश्यू हैं। पूरी ह्यूमन की बॉडी इन चार प्रकार के टिश्यू से बन जाती है, तो तुम्हें देखने को तो नहीं मिलता, तुम ऐसे तो नहीं कहते हार्ट, तुम कहते हो ये ह्यूमन बंदे का हार्ट है ना। मान लो यहां पे कोई ह्यूमन बीइंग है, मदनलाल, अच्छा ह्यूमन बॉडी में आगे बना देती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। देखो ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसे होती है, ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स अपने को पता होने चाहिए। ये मदनलाल है, इसके बारे में बात करेंगे। ये मदनलाल की बाजुएं हैं, इनको साइड में रखेंगे। ये मदनलाल की सेंटर बॉडी है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। मदनलाल की सेंटर बॉडी एक्चुअली अंदर से खाली है, एक ड्रम की तरह, इस तरीके से। मदनलाल की बॉडी में एक कैविटी है ऐसा, तुम्हें नहीं पता था, मुझे पता है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये मदनलाल की बॉडी वॉल है, ये देख रहे हो, ये बाहर तो इसकी स्किन हो गई, यहाँ पे स्किन हो गई, यहाँ पे अंदर खाली एरिया हो गया। ये जो इतना इतना पोर्शन है ना, ये वाला दिस इज द बॉडी वॉल, ठीक है। ये अंदर जो कैविटी है, जो खाली स्पेस है, इसको सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी या सीलोम, सब जान लो, जिसको नहीं पता जान लो, बहुत जरूरी बातें हैं ये। ये बॉडी कैविटी में एक फ्लूइड घूमता है, एक फ्लूइड घूमता है हमेशा, इसको सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे ऐसे फ्लूइड है पूरी बॉडी कैविटी में, सीलोमिक फ्लूइड। ये बॉडी कैविटी दो पार्ट्स में बटी हुई है, यहाँ बीच में एक बड़ी सी मसल है जो कि ऐसे मंदिर के ऊपर जैसे ऐसे होता है ना, डोम शेप की मसल है इस तरीके से, ठीक है जी। इस मसल को क्या कहते हैं हम, डायफ्राम। जान लो तुम्हारी बॉडी में क्या है बेटा, डायफ्राम। डायफ्राम से ह्यूमन की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जैसे बुक शेल्फ नहीं होता, बुक शेल्फ, ऊपर बुक्स रखने की जगह, नीचे बुक्स रखने की जगह, बिल्कुल ऐसे अपर कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं,
ठीक है, और लोअर कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, वी कॉल दिस एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान से सुनो, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे यहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स पड़े होते हैं, नीचे वाली साइड पे, इसी कैविटी के अंदर पड़े होते हैं। जैसे फीमेल्स में यहाँ पे ओवरीज पड़ी होती है ना, अगर मेल है तो टेस्टिस तो चलो नीचे की साइड होता है, ठीक है, तो मेल ऑर्गन का भी काफ़ी कुछ यहाँ पे पड़ा होता है। मेजरली फीमेल्स का यूट्रस, फीमेल्स की ओवरीज इस साइड पड़ी होती हैं। इस नीचे वाले पोर्शन को पेल्विक कैविटी कहते हैं, पेल्विक कैविटी कहते हैं। अब इस दो शेल्स के अंदर हमारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं, है ना, बॉडी के ऑर्गन्स पड़े होते हैं। जैसे कि अगर आप थोरैसिक कैविटी में देखो, चेस्ट में देखो, तो यहाँ पे दो लिफाफे से पड़े होते हैं बड़े बड़े से ऐसे, जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, वी कॉल देम लंग्स, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पे एक तुम्हारी मुट्ठी जितना बड़ा ऑर्गन पड़ा होता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे बात करो, यहाँ से तुम्हारे ईसोफेगस आके यहाँ पे तुम्हारा स्टमक पड़ा होता है ऐसा, है ना, और बाकी ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन पड़ी होती है, स्टमक अंदर से खाली है, इट इज ऐसे होता है ना, खाने आने के लिए जगह होती है ना ऐसा ऐसा, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं, हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे हमारा लंग है, यहाँ पे हमारा स्टमक है, यहाँ पे हमारा हार्ट है, वी नेवर टॉक अबाउट टिश्यू, यहाँ पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पे हमारा मस्कुलर टिश्यू है, ऐसे तो नहीं हम बात करते। वाई? बिकॉज टिश्यूज से मिल मिल के ऑर्गन्स बन जाते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द हार्ट, हार्ट ये ऑर्गन है, एक्चुअली इसके अंदर चारों प्रकार का टिश्यू प्रेजेंट है। इसके पास एपिथेलियल टिश्यू भी है, इसके पास मस्कुलर टिश्यू भी है, इसके पास कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसके पास नर्वस टिश्यू भी है। ऑल द टिश्यूज आर एक्चुअली ज्वाइनिंग टू फॉर्म द हार्ट। सिमिलरली हम बात करते हैं स्टमक की, यार ऑर्गन की बात करते हैं, टिश्यू का है भैया, ये जो स्टमक की वॉल है ना, ये जो ब्यूटीफुल बिल्लो है ना, ये जो वॉल है यहाँ पे, स्टमक वॉल है ना ये, इसमें सारे वो हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी है इसमें, इसमें मस्कुलर टिश्यू भी है, इसमें नर्वस टिश्यू भी है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है, समझ लो। हम जनरली वाकिफ होते हैं ऑर्गन से, जैसे हार्ट, जैसे लंग्स, बट वी डोंट टॉक मच अबाउट टिश्यूज। कोई बात नहीं, ये चैप्टर इसी के लिए बना हुआ है कि पहले टिश्यूज को समझो, उसके बाद तुम्हें ऑर्गन्स पे जाने दिया जाएगा। ऑर्गन्स जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं हार्ट की, ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं, जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, सर्कुलेटरी सिस्टम बना देते हैं। अगर मैं बात करूं लंग्स की, लंग्स और एयरवेज मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सिस्टम्स नहीं आते वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टमक और लिवर और इंटेस्टाइन वगैरह मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। सो इनसे बनते हैं सिस्टम्स। सिस्टम्स का क्या काम होता है? ऑर्गन्स अकेले काम नहीं करते जनरली, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हम में ऑर्गन्स अकेले काम नहीं करते, हम में ऑर्गन्स जुड़ जुड़ के ऑर्गन सिस्टम्स के रूप में अपना पूरा काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डाइजेशन का काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हवा अंदर लाने का काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चीज़ें सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, और फिर इन सभी सिस्टम्स से ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि ह्यूमन बींग। लेकिन सभी एनिमल्स, अपन एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, सुन लो, एनिमल किंगडम में दोबारा रिपीट नहीं करूंगी ये बात, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे तुम लोगों को आवाज वूज प्रॉपर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया, क्या कंपैरिजन चल रहे हैं? ए, काहे टीचर से टीचर को कंपेयर करते हो रे, काहे टीचर से टीचर को कंपेयर करते हो? ऐसे नहीं करते बेटा, हर टीचर की अपनी वैल्यू होती है, और हर टीचर कुछ ना कुछ अच्छा दे रहा है, तभी तो वो मार्केट में टिका हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि एक टीचर कोई बहुत ही अच्छा होता है, एक टीचर बहुत ही खराब होता है। हर टीचर में, हर टीचर हर बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, देखो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ मुझसे समझ में आएगा, कुछ बच्चे हैं जिनको किसी और टीचर से समझ में आएगा, मेरे से नहीं आएगा, हो भी सकते हैं ऐसे बच्चे यार, ठीक है। तो आई एम जस्ट, मतलब मेरे को ये लगता है कि हर टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो। सीखो क्या यार, करना ही होता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग की तो अपन रिस्पेक्ट करते हैं, क्या कोई अपने को ह्यूमन बींग देखता है तो गाली देके चले जाते हैं हम रस्ते में, ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे, गाली दो और भाग जाओ, ऐसे थोड़ी भी करते हैं हम।
अगर कोई जानते तो नमस्ते करते, नहीं जानते तो चले जाते हम, है ना। वैसे ही ऑनलाइन कम्युनिटी है यार टीचर्स की। कोई टीचर तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ लो, नहीं अच्छा लगता मत पढ़ो। यार बुराई नहीं करते टीचर्स की यार, किसी भी क्लास में बुराई नहीं करेंगे, बहुत गलत बात है। बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स भी हैं, मेरे से अच्छे अच्छे टीचर्स भी मार्केट पर बैठे हैं भैया, बहुत हैं। मैं सीखती रहती हूँ, उनकी वीडियोज़ खोल खोल के देखती रहती हूँ। हाँ यार इतना अच्छा पढ़ा लेते हो यार, कैसे पढ़ाते हो यार, मैं भी, मुझे भी सीखना है यार। कुछ नहीं है, चलो कंपेयर नहीं करेंगे, गंदी बात है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। तो अपने पास तो यहाँ तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एनिमल किंगडम में अपन ये पढ़ेंगे। जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी नज़रों में देखो। जब अपन एनिमल किंगडम में जाएंगे तो अपन ये जानेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इतने कीर्ति, मतलब इतनी उनकी अच्छी किस्मत नहीं होती कि उनको पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन मिले। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ सेलुलर लेवल पे टिक के रह जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, इनको कभी टिश्यू नसीब ही नहीं हुआ। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो टिश्यू लेवल पे रह के रह जाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें कभी ऑर्गन्स बनते ही नहीं। जैसे कि अगर तुम नाइडेरिया की बात करो, सी एनिमल ही जानते हो नाइडेरिया में, हाइड्रा जानते हो, ये एनिमल्स हैं प्रॉपर, ये एनिमल्स हैं प्रॉपर, लेकिन कभी ऑर्गन नहीं बना पाए क्योंकि बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, बहुत पुराने प्रकार के एनिमल्स हैं। नेचर ने उन्हें अभी तक टिश्यू लेवल पे ही रखा हुआ है, जैसे सी एनिमनी, जैसे हाइड्रा। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ऑर्गन आ जाते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाते। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं, लेकिन जब ऑर्गन सिस्टम आ गए फिर तो ऑर्गेनिज्म बन ही जाएगा, समझ रहे हो। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स टिके हुए हैं। अपन आज उन भूले बिसरे अभागे ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे जो सेलुलर लेवल पर टिक गए, जो टिश्यू लेवल पर टिक गए या जो ऑर्गन लेवल पर टिक गए। हम उन शक्तिमान ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जिन्होंने सब कुछ पा लिया, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। हमारे पास सेल्स भी हैं, सेल से टिश्यू भी बनता है, टिश्यू से ऑर्गन भी बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म भी बनता है। हम उन सर्वशक्तिमान ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। चल हमारा टॉपिक है ये। पहली बात तो ये डेफिनेशन देख लो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, आई होप तुमने ये नोट कर ली है, अलॉन्ग विद देयर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। आ जाओ, टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एक एक करके सारे टिश्यूज की अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। बहुत बढ़िया टिश्यू है। कभी सोफा देखे हो? लाओ सोफा देख ले। सोफा देखे हो? सोफे का कवर देखे हो कभी? सोफा बिना कवर के नहीं रखते ना, कवर डाल लेते गंदा हो जाता है, तो इसके ऊपर एक कवर डाल लेते हैं। आप डालो, यहाँ से भी कवर कर लो, कवर डाल लो, है ना, यहाँ से भी कवर कर लो, कवर डाल लो, समझ लो जहाँ तक मर्जी कवर डाल लो। तो जैसे सोफा कवर होता है सोफे के कवर से, वैसे ही ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन बीइंग की बॉडी कवर होती है एपिथेलियल टिश्यू से। ये कवरिंग टिश्यू है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ नहीं समझ में आया हमें, मैडम ये क्या मतलब बना कवरिंग टिश्यू है? इधर आओ, ह्यूमन बॉडी पे आओ। ह्यूमन बॉडी को यदि हमें कवर करना हो, कवर करना हो क्या, कवर होती ही है ह्यूमन बॉडी को, यदि हमें कवर करना हो कौन से कलर में बनाऊंगी तुम्हें दिख जाए प्रॉपरली, जो हमने यूज नहीं किया है। आई थिंक रेड में बनाना चाहिए, दिख जाएगा तुम लोगों, चिंता मत करो। तो ह्यूमन बॉडी को तुम्हें कवर करना है यहां से, है ना, जैसे सोफे को हम कवर करते हैं वैसे हम ह्यूमन बॉडी को कवर करेंगे ये लोग। तो बेटा ये सारा जो कवर है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू है जो मैं बना रही हूं। मतलब तुम कहोगे मैडम स्किन हमारी एपिथेलियल टिश्यू है, आप क्या कहना चाह रही हो, स्किन एपिथेलियल टिश्यू है? यहाँ तो स्किन होती है ना, सबसे बाहर स्किन होती है ना, यहाँ पे क्या ये एपिथेलियल टिश्यू है? बिल्कुल ये एपिथेलियल टिश्यू है बेटा। स्किन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्किन के दो पार्ट्स होते हैं जो हम स्किन कहते हैं ना। देख मैं तुम्हें बताती हूँ, स्किन इधर, स्किन ये ध्यान से याद रखो, ये जरूरी है, ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाली लेयर होती है और एक नीचे वाली लेयर होती है,
इन दोनों को मिला के स्किन बोलते हैं। ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाले लेयर को बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि तुम पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्त होता है कनेक्टिव टिश्यू, मस्त बस पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू फैला हुआ है। इनफैक्ट कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, हर जगह कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। और जब तुम पढ़ोगे तुम्हें मजे आएंगे, तुम कहोगे भैया इतना कनेक्टिव टिश्यू, समझ रहे हो। एपिडर्मिस जो होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। इनके बीच में एक लेयर होती है जिसको तुम नहीं जानते, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सिखाऊंगी क्या होती है, पर अभी के लिए दिमाग में बिठाओ मैं क्या कह रही हूँ। बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती, बहुत आसान होती है, ठीक है। इन सबको मिला के अपनी स्किन बनती है, यहाँ से नीचे अपना यू नो अपने स्ट्रक्चर और शुरू हो जाता है, बाकी शुरू हो जाता है। ये हवा है, एयर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बाल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ऊपर तो एपिथेलियल टिश्यू ही होगा, स्किन सबसे ऊपर है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इसको नोट करो जल्दी से, समझ रहे हो। सो एपिथेलियल टिश्यू अपने को यहाँ मिलेगा, देन सिर्फ यहाँ नहीं, ये सिर्फ बाहर से कवर नहीं करता, ये अंदर से भी कवर करता है। एपिथेलियल टिश्यू कहता है बेटा कोई ऐसा सरफेस नहीं होगा जिसे मैं ना कवर कर दूं, ठीक है। देखो इधर, ये बॉडी वॉल अंदर से खाली है, यहाँ पे देखो एपिथेलियल टिश्यू या तो एयर को फेस करेगा, एयर को फेस करेगा, या बॉडी फ्लूइड्स को फेस करेगा। यहाँ पे बॉडी फ्लूइड है ना, यहाँ पे लिक्विड है ना, बॉडी फ्लूइड है ना, तो बॉडी फ्लूइड जो भी फ्री सरफेस मिल गया ना वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होएगा ही होएगा। तो ये बॉडी वॉल को अंदर से भी लाइन करता है ऐसे। चलो हमने कहा यार बहुत हो गया, सही है, हमें पता चल गया एपिथेलियल टिश्यू का है, नहीं वो कहता है रुको, ऑर्गन्स को, ये जो ऑर्गन्स का फ्री सरफेस है उसको कौन लाइन करेगा, ये ऑर्गन्स को भी ऊपर ऊपर से लाइन करता है ऐसे। जैसे मान लो स्टमक को लाइन कर दिया ऊपर ऊपर से ऐसे। तो हमने कहा भाई बस कर यार बस कर, वो कहता नहीं रुको, ऑर्गन्स का जो अंदर वाला खाली सरफेस है उसको भी लाइन करूंगा। खाली तो है ही है ना, जो भी फ्री सरफेस मिल जाएगा उसको ये लाइन करेगा। देखो फ्री सरफेस यहाँ पे, उसको ये लाइन करेगा, ठीक है। सो ये लाइनिंग टिश्यू है। अब जब लाइनिंग टिश्यू पढ़ने ही लगे हैं तो इनके एपिथेलियल टिश्यू से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जैसे अभी तुमने देखा यहाँ पे स्किन बनती है, स्किन से एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ है, नहीं एपिथेलियल टिश्यू से स्किन बनी हुई है। तो अंदर बेटा ये जो लेयर्स है ना, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ अभी, क्योंकि ये टर्म्स आ जाती है फिर तुम डर जाते हो क्या है। दिस लेयर जो बॉडी वॉल को अंदर से लाइन कर रही है, दिस लेयर, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ पेरिटोनियम। है ये एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के और नाम भी तो हो सकते हैं ना जगह के अनुसार। मैं अब इसको एपिथेलियल टिश्यू तो नहीं कहती, मैं कहती मेरा एपिथेलियल टिश्यू कितना सूख गया यार, मुझे पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर क्रीम की जरूरत है। नहीं, मैं कहती हूँ मेरा स्किन सूख गया, क्योंकि यहाँ पे इस एपिथेलियल टिश्यू का नाम स्किन है, राइट। वैसे ही यहाँ इस एपिथेलियल टिश्यू का नाम कुछ और है, इसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। इसे ये वाली होती है पेरिटोनियम, एक तो जो बॉडी वॉल को अंदर से लाइन करती है, एक जो ऑर्गन्स को बाहर से लाइन करती है, ये भी पेरिटोनियम होती है, ये वाली, दिस इज ऑल्सो पेरिटोनियम। इन पेरिटोनियम्स के नाम अलग हैं। जो विसीरल ऑर्गन पे है, विसीरल ऑर्गन का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, तो विसीरल पेरिटोनियम, विसीरल पेरिटोनियम, और बाहर वाले को बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं टिश्यूज़ के ओरिजिन की। अब तुम कहोगे यार टिश्यूज़ का ओरिजिन क्या होता है, तुम्हें पता है जब बच्चा बनता है तो कैसा सा होता है, तुम्हें नहीं पता ना, मैं बताती हूँ कैसा होता है। तुम्हें तो नहीं ही पता, मुझे ही बताना होगा कि बच्चा कैसा होता है। चलो मैं ही बताती हूँ। देखो जब हम माँ के यूट्रस में, माँ के पेट में नहीं गएंगे, अब हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, माँ के पेट में कुछ नहीं होता, पेट स्टमक, माँ के यूट्रस में बनते हैं हम, है ना। जब हम माँ के यूट्रस में पल रहे होते हैं तो एक टाइम हम बच्चे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते, एक टाइम हम पता है किसकी तरह दिखते हैं, फ्रिज भी नहीं होती जो ऐसे खेलते हैं कुत्ते के साथ, ऐसे प्लेट जैसी, उस जैसे दिखते हैं हम, ऐसे प्लेट जैसे दिखते हैं, वी लुक लाइक अ प्लेट लाइक दिस। कोई आँख मान आँख नाक मुंह नहीं, सिर्फ एक प्लेट है हम। लेकिन ये प्लेट सिंगल प्लेट नहीं होती, ये तीन प्लेट्स एक एक नीचे होती है। जैसे एक सबसे टॉप पे एक प्लेट हो गई, ठीक है, फिर इसके नीचे यू नो एक और प्लेट हो गई, देन इसके नीचे यू नो एक और प्लेट हो गई। ये तीन प्लेट जैसे तीन रोटियां रख देते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे होती हैं। इनको जर्म लेयर्स कहते हैं,
वी कॉल देम जर्म लेयर्स. वी डोंट कॉल देम, एवरीबडी कॉल्स देम एक्चुअली जर्म लेयर्स. ये सोचो ह्यूमन बींग का ओरिजन है, ये ऐसे होते हैं हम पहले, फिर इन्हीं जर्म लेयर्स से नए नए टिश्यूज़ बनते हैं, फिर उन टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, फिर हम बनते हैं हाथ पैर जो हम अपने देखते हैं, ओह कितने सुंदर हैं हम. भैया तुम डिस्क थे, यू आर अ डिस्क. ये जर्म लेयर्स तीन होती हैं, तीन नाम. ऊपर वाली को बोलते हैं हम एपी, क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, भूल ही गई थी, एक्टोडर्म. नीचे वाली को बोलते हैं एंडोडर्म, और बीच वाली को नाम से ही पता चलता है मीजोडर्म. बीच वाली मीजोडर्म, एक्टोएंडो मीजोडर्म. तो बेटा पूरा ह्यूमन बीइंग ना इन लेयर्स से बनाए हुए, टिश्यूज से बना हुआ है. तो अपन टिश्यूज के हमेशा ओरिजिन की बात करते हैं कि भैया कौन सा एक्टोडर्म से बना है, कौन सा एंडोडर्म से बना है, कौन सा मीजोडर्म से बना है. देखो मीजोडर्म बहुत काम की चीज है, मीजोडर्म बहुत कुछ बनाती है. बीच वाली चीज पूरा कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म बनाता है, पूरा मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म बनाता है. ठीक है, एक्टोडर्म से हमारा नर्वस टिश्यू बनता है. ये अपने को जानना है, ये अपने को जानना है. नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं. तो भैया एपिथेलियल टिश्यू किससे बनता है, क्वेश्चन ये है. एपिथेलियल टिश्यू ना बहुत ज़्यादा वेरिड है, बॉडी में बहुत जगह पाया जाता है. तो एक्चुअली में ये तीनों चीज़ों से बनता है. अब सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ऐसा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आज स्किन है तो भैया स्किन कभी एक्टोडर्म ने बना दी, कभी मीजोडर्म ने, ऐसा नहीं है. पर्टिकुलर एरिया का एपिथेलियल टिश्यू पर्टिकुलर जर्म लेयर से बना हुआ है. जैसे ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है, ये मीजोडर्म से भी बन सकता है, ये एंडोडर्म से बन सकता है. डिपेंड करता है कहाँ का एपिथेलियल टिश्यू है. जैसे कि जो स्किन का एपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा एक्टोडर्म से बनता है. ठीक है, और बताती हूँ मैं तुम्हें. जैसे ये अंदर वाली लाइनिंग वाला टिश्यू है, ये वाला सबसे अंदर वाला, ये हमेशा एंडोडर्म से बनेगा. सोचो ना एक्टो बाहर है तो ये हमेशा एक्टोडर्म से बनेगी स्किन, ये बिल्कुल अंदर है एंडोडर्म से बनेगा. और जो बीच में है, बीच में कौन कौन है देखो, बीच में एक तो ये है स्टमक का बाहर वाला और एक ये बॉडी वॉल के अंदर वाला, ये बीच में, ये मीजोडर्म से बनता है. ठीक है, सो पेरिटोनियम्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ मीजोडर्म, इसीलिए इनको मीजोथीलियम भी कहते हैं. इसे डरना नहीं है बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मीजोथीलियम, विच इज ओके, नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, सिमिलरली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर पूरा एपिथीलियम होता है. ऑफकोर्स ब्लड वेसल भी तो अंदर से खाली है ना, तो एपिथीलियम होएगा. तो उनकी एपिथीलियम जो अंदर वाली होती है वो एंडोडर्म से बनी होती है, तो उसको एंडोडर्मिस कह देते हैं, विच इज नॉट अ बैड थिंग. ठीक है, एंडोडर्मिस तो प्लांट्स में होती है, एंडोथीलियम कह देते हैं, एंडोथीलियम. समझ में आया? सो अब अपन ने बेसिकली बात करनी है, अब अपने को बेसिक सी बातें समझ में आ गई, क्या होता है एपिथीलियम, क्या है, कहाँ पे मिलता है ना. अब अपने को बात करनी है कौन सा एपिथीलियम कहाँ पे मिलता है, कितने प्रकार का एपिथीलियल टिश्यू होता है. देखो एपिथीलियल टिश्यू एक्चुअली दो प्रकार का होता है. आगे एपिथीलियल टिश्यू इज एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम. पहली बात तो एपिथेलियल टिश्यू की कुछ खासियत होती है. क्या खासियत होती है, इसका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है. ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है. क्या क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू और फॉल्स, एपिथेलियल टिश्यू हैज़ नो इंटरसेलुलर मटेरियल, एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अबंडेंट इंटरसेलुलर मटेरियल, एपिथेलियल टिश्यू हैज़ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल. तो आंसर क्या होगा, लिटिल वाला आंसर होगा बेटा. इसके बीच का जो मटेरियल होता है बेटा ये बहुत कम होता है. दे आर टाइटली पैक्ड सेल्स, मतलब मैं टॉप पार्ट दिखा रही हूँ, समझ रहे हो, मैं टॉप दिखा रही हूँ. दे आर टाइटली पैक्ड, वेरी लिटिल इंटर सेल्यूलर मटेरियल, वेरी लिटिल. ये दो वर्ड्स हैं भैया, इंटर सेल्यूलर और मटेरियल. पहली बात तो ये याद रखनी है. अब सिंपल और कंपाउंड एपिथीलियम का मीनिंग क्या है. देखो यार एपिथीलियल टिश्यू की ना एक बहुत अजीब बात है, इट इज़ वेरी वियर्ड, इट डजंट हैव ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई. ये तो बहुत अजीब बात है, क्या कोई सेल जिंदा रह सकता है बिना ब्लड सप्लाई के. ब्लड इज द लाइफ, तुम्हें तो ब्लड से ऐसे घिन आती है ना, खून. भैया ब्लड इज अवर लाइफ लाइन. तुमने देखा है पुरानी सभ्यताएं, तुम लोग पढ़ते होगे ना हिस्ट्री ज्योग्राफी,
पुरानी सभ्यताएं हमेशा रिवर्स के आसपास बनती थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, क्यों? क्योंकि रिवर्स हमें पानी देता था इरिगेशन के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए. सो लाइफ जो है रिवर्स से बनती है, पानी से बनती है. वैसे ही अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, सो हमारी ब्लड वेसल्स आर लाइक रिवर्स एंड ब्लड इज लाइक वाटर. ब्लड के बिना कुछ भी संभव नहीं है बेटा. ब्लड में ही न्यूट्रिएंट्स हैं. सारा ग्लूकोज जो आप बॉडी को दे रहे हो वो ब्लड में ही तो तैर तैर के जा रहा है ना. सारा ऑक्सीजन जो आप सेल्स को दे रहे हो ब्लड में ही तो तैर तैर के जा रहा है ना. सो ब्लड जहाँ पे नहीं आएगा उसे क्या मिलेगा? ना तो उसे ऑक्सीजन मिलेगी, ना तो उसे ग्लूकोज मिलेगा. क्या करता है सेल ग्लूकोज और ऑक्सीजन का, ये तो तुम लोगों को पता है ना, बार बार बताती रहती हूँ मैं. सेल क्या करेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन का? ये हमारा सेल है. सेल डज समथिंग कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. ये क्या होता है ध्यान से सुन लो. रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ाना है मेरे को, फिर नहीं बताऊंगी, ध्यान सुन लो. सेल इज लाइक अ फैक्ट्री, राइट? सेल इज अ लिविंग थिंग एंड फॉर अ लिविंग थिंग एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. क्या अगर तुम्हें खाना नहीं मिले तुम रह लोगे जिंदा? मर जाओगे ना थोड़े टाइम बाद. सो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना तुम्हारे लिए एनर्जी. तो तुम एनर्जी लेते हो फूड से, तो सेल को भी फूड चाहिए. तो तुम तो कुछ भी खा लेते हो, पिज़्ज़ा बर्गर है ना, टमाटर प्याज कुछ भी खा लो, है ना. हमारी बॉडी उसको सिंपल फॉर्म्स में तोड़ देती है, ठीक है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ इतना ही काम है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है. वो नहीं होती कूड़े को पीसने वाली मशीन, नहीं होती ऐसे कूड़ा को पीस दिया छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया. वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिकल ब्रेकडाउन के साथ केमिकल ब्रेकडाउन करता है. तुम कोई भी चीज़ खा लो उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म्स में लेके आता है, ठीक है. और वो सिंपल फॉर्म्स फिर सेल्स यूज़ करते हैं, सेल्स को मिलती है फिर वो. जैसे ग्लूकोज इज द बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो कि सेल्स को चाहिए होता है. तो क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं. सोच लो ग्लूकोज कहाँ से मिला? ब्लड वेसल से. ब्लड वेसल से यहाँ पे ग्लूकोज था तभी आ पाया, है ना. अब इसको कहाँ से मिला? ब्लड वेसल को कहाँ मिला? डाइजेस्टिव सिस्टम से. ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसने डाइजेस्ट किया, है ना. यहाँ पे ग्लूकोज बना तोड़ तोड़ के स्टार्च से. तुमने तो आलू खाया था ना, तुमने ग्लूकोज थोड़े पे खाया था, आलू में स्टार्च था, पहले ग्लूकोज बना, फिर ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जाएगा सेल्स में, ठीक है. तो ये इस ग्लूकोज को लेके इसको बर्न करेगा, आग जलाएगा, अग्नि जलाएगा. लेकिन ऐसे आग नहीं कि तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो तुम्हारे सेल्स में आग जली हुई हो, ऐसा नहीं. हल्की हल्की बर्निंग, वेरी स्लो बर्निंग, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करेगा. ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? यहाँ से. ये ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे आया? रेस्पिरेटरी सिस्टम से. लंग्स है ना, लंग्स, ये तुम्हारे लंग्स सांस लेते हैं, ये यही काम करते हैं. ये यहाँ से O2 पकड़ पकड़ के लाते हैं बाहर से, ये ब्लड में डालते हैं, ब्लड से यहाँ जाती है. तो देखो यही हर सिस्टम का अलग अलग काम है. एंड देन दे कंबाइन टू फॉर्म ATP. बर्निंग हीट एंड लाइट के रूप में नहीं निकलती, हीट के रूप में तो निकलती है, थोड़ी सी हीट निकलती है यहाँ से, ठीक है. प्लस अ वेस्ट गैस CO2. ये CO2 कहाँ जाएगी? वापस ब्लड में. यहाँ से कहाँ जाएगी? वापस लंग्स में. लंग्स से कहाँ जाएगी? बाहर एटमोसफियर में, ठीक है. तो बिना ब्लड के तो कुछ भी नहीं है, बिना ब्लड के तो कुछ भी नहीं है. सो ये बिना ब्लड सप्लाई के कैसे रहता है? तो होता कुछ ऐसा है कि मान लो ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं. पहली बात तो ये कभी भी ऐसे नहीं पड़ रहे थे अनार के दाने की तरह ऐसे खाली. ये एक नीचे एक स्टिकी सी लेयर से चिपके रहते हैं. यहाँ पे एक चिपकाऊ सी लेयर है इनके जस्ट नीचे, ठीक है. यहाँ पे एक चिपकाऊ सी लेयर है विच इज नॉन सेलुलर इन नेचर. सेल्स नहीं है इसमें, प्रोटीन की बनी होती है बेटा. थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा प्रोटीन बनी होती है. इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. मैंने कहा था ना बेसमेंट मेम्ब्रेन बताऊंगी. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर है? आई होप तुम लोगों को दिख रहा है प्रॉपर. नॉन सेलुलर है बेसमेंट मेम्ब्रेन. बहुत गंदा लिख दिया ना मैंने, बहुत गंदा लिख दिया ना, बट आई होप तुम लोगों को दिख रहा है यार, क्या करें, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, इससे सेल्स इस पे चिपके रहते हैं. इसके नीचे हमेशा ही एक लेयर होती है छोटी सी कनेक्टिव टिश्यू की बेटा. एपिथेलियल टिश्यू बिना कनेक्टिव टिश्यू के नहीं मिलता कभी भी. लेकिन ये इतनी पतली होती है कि जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो इसको दिखाते नहीं है. देखो तुम NCERT में डायग्राम देखना, ये वाली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर तुम्हें दिखाई ही नहीं गई होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली होती है.
और इसका एक मात्र काम क्या होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इज फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होती हैं इस तरीके से, तो ब्लड वेसल्स से जो न्यूट्रिएंट है वो पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है फिर सेल्स में जाता है। यहां से तुम क्या क्या बातें सीखे, यहां से तुम सीखे कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू कभी भी बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के नहीं मिलेगा। तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो तुम्हें पता होना चाहिए भैया कौन से टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू में, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। देन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि इसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कभी भी डायग्राम्स में नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इतनी पतली होती है, वी डोंट वॉन्ट टू शो इट, है ना, जो असली जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए उसको मिलता ही नहीं। देन नेक्स्ट थिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा ए सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर होती है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम इज बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यदि सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स है तो वो सिंपल एपिथेलियम है। अगर मैं कंपाउंड एपिथेलियम बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके ऊपर सेल्स बनाऊंगी मैं, लेकिन अभी सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स नहीं है, इसके ऊपर एक लेयर ऑफ सेल्स और है, फिर एक लेयर ऑफ सेल्स और है, मतलब कितनी भी लेयर्स हो सकती है कंपाउंड एपिथेलियम। तो भैया इसका काम कैसे चलेगा, मैम आपने कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं बनाया, भैया है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है बट आई विल नॉट शो इट। इसका काम कैसे चलेगा बेटा, ऐसे चलेगा, यहाँ से न्यूट्रिशन यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जाएगा, डिफ्यूजन से जाएगा। सो आप समझ गए सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो सिंपल के प्रकार हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल का शेप, सेल किस शेप का है, कितने प्रकार की होती है, ये स्क्वामस, बहुत इजी इजी है, क्यों वर्डल, यहीं से क्वेश्चन आता है मेनली, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कॉलमनर, सिंपल अपने आप लगाते रहोगे, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलमनर, सिंपल क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये क्या हो गया मैम, ये इजी टॉपिक इस चीज में कैसे बदल गया, यही से क्वेश्चन आते हैं, ये तो आसान है ना। स्क्वामस फील कैसा होता है तुम्हें, स्क्वामस स्क्वैश कर दिया किसी को, पिचका दिया, तो स्क्वामस सेल जो होते हैं ना, इसकी इसकी बात हो रही है, स्क्वामस सेल जो होते हैं ना, जैसे ये तो मैंने ये क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल वाली शेप है, ये एक्चुअली क्यूबॉइडल है, ये अगर सेल्स का शेप क्यूब है, क्यूब दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो क्यूबॉइडल हो गया। अगर आप सेल को पिचका दो, स्क्वैश कर दो बिल्कुल ऐसे साइड से, पतले पतले तुम्हें सेल नजर आए ऐसे, बताओ कोई बात है, ये भी कोई बात है, इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आए ऐसे, इसको ना कलर करने में मजे आते हैं यार, मेरा ना बोर्ड चला गया जिसपे मैं कलर करती थी, ये स्क्वामस हो गया, शेप पे है, शेप पे और कुछ नहीं। तो कॉलमनर कैसे, लंबे लंबे कॉलम होंगे, ऑफकोर्स ऐसे कॉलम होंगे, ऐसे कॉलम होंगे लंबे लंबे, बेसमेंट मेम्ब्रेन सब पे है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सब पे है, ठीक है, तो ये कॉलमनर हो गया। सिलिएटेड सिखाऊंगी तुम्हें क्या होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर ग्लैंड्स बना देते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड भी सिखाऊंगी। तुम्हें पता है बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, ऑल द ग्लैंड्स इन योर बॉडी आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, प्लीज इस बात की गहराई को समझो, इसको ऐसे मतलब अच्छा ऑल द ग्लैंड्स इन द फॉर्म, ऐसा नहीं, ग्लैंड तुम्हारी बॉडी में चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, चाहे वो ईयर वैक्स हो, कान का मैल, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो थूक हो, चाहे वो ऑयल हो जो आपके फेस पे पिंपल्स कॉज कर देता है, चाहे वो इंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो सीमेन हो, कुछ भी सिक्रीशन हो, हमेशा एपिथेलियल टिश्यू ही प्रोड्यूस करता है। सो ग्लैंड्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये कहीं पे लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर हम ये जानेंगे कि स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ मिलता है, इसका फंक्शन क्या, कहाँ मिलता फंक्शन, कहाँ मिलता फंक्शन, कहाँ मिलता फंक्शन, विच इज़ वेरी इजी एक्चुअली। बोर्ड क्लियर हो गया मेरा, है ना, बोर्ड सुंदर आता है आजकल। मैम यू डिडंट शो हेमी डेस्मोसोम्स, ओ सॉरी सॉरी बेटा, लेकिन अभी दिखाऊंगी नहीं ना, ये अलग से पढ़ाऊंगी। चलो आगे बात करते हैं, देखो स्क्वामस एपिथेलियम की अगर हम बात करें, देखो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं और ये होता क्या है, इधर देखो स्क्वामस एपिथेलियम की बात करते हैं, तुम्हें क्या लगता है एक सेल को इतना फ्लैट क्यों बनाया गया है, कोई तो रीजन होगा ना,
तुम एक सेल को उठने ही नहीं दे रहे हो, सेल को उठने ही नहीं दे रहे हो, इतना फ्लैट बना रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्यों बनाया भैया? ये सेल्स यहाँ, इनका बेचारा न्यूक्लियस भी ऐसा पिचका सा पड़ा हुआ है बीच में, क्यों? कहीं पे भी जब डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनती हैं, अगर आपको कोई चीज़ क्रॉस करवानी है, ऐसे क्रॉस करवानी है, ऐसे क्रॉस करवानी है, तो यार आप ये सेल ले लो ना, क्योंकि जितना मोटा सेल होगा क्रॉस करने में उतनी डिफिकल्टी आएगी. सो दे फॉर्म फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज, फिल्ट्रेशन बाउंड्रीज, डिफ्यूजन बाउंड्रीज. हालांकि एनसीईआरटी सिर्फ कह रही है डिफ्यूजन बाउंड्रीज. अब इसका मीनिंग क्या है तुम समझो? बाउंड्री इसकी स्पेलिंग सही है पता नहीं. देखो मेरी बात सुनो ध्यान से. याद है लंग्स में, लंग्स तो याद होगा तुम्हें, लंग्स में ऐसे ऐसे बलून्स होते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ पे देख लो ध्यान से. मैं कहूँगी बेटा एनिमल टीसू में पढ़ा था ना, ध्यान से सुना था ना उस टाइम. लंग्स में ऐसे एल्वियोलाई होते हैं. लंग्स में आती है ऑक्सीजन बाहर से, मतलब एयर आती है, एयर में ऑक्सीजन आती है, और लंग्स में होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ऐसे. अब ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, मैंने वेसल क्यों नहीं बोला? कैपिलरीज एक प्रकार की वेसल होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं. तो ऑक्सीजन को बेसिकली क्रॉस करना है यहाँ से यहाँ, एंड ऑल्सो CO2 हैज़ टू क्रॉस फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो तुम यहाँ पे भारी भरकम बाउंड्री मत बनाओ ना. एल्वियोलाई का जो बैग होता है वो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस टिश्यू से बना होता है बेटा, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स, बिल्कुल पतला ऐसा ऐसा, क्योंकि एक्सचेंज कराना ना, इट्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री, गैसेस आर डिफ्यूजिंग, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ऐसा. और ब्लड वेसल भी सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस टिश्यू से बनी हुई है ऐसा, स्क्वामस सेल से बनी हुई है ऐसा ऐसा. इधर सारी नहीं, कैपिलरी. अच्छा मैं जब कैपिलरी कहती हूँ, आर्टरी कहती हूँ, वेन कहती हूँ, तो प्लीज इसमें डिफरेंस समझो. आर्टरिया और या वेन बहुत मोटे मोटे होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट एन आर्टरी और अ वेन, एंड इफ आई टॉक अबाउट अ कैपिलरी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अपने को बेसिक तो पता होना चाहिए ना. दे आर ब्लड वेसल्स. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेसिक्स हैं. जिन बच्चों को ये बेसिक्स नहीं आएंगे उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं आएंगी. पर ऐसा होएगा ही, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आएंगे, हम ऐसी बात ही क्यों कर रहे हैं, जब आएंगी आएंगी सब बच्चों को फिर, है ना. तो ये भी ब्लड वेसल्स हैं, ये भी ब्लड वेसल्स हैं, बस ये थोड़ी मोटी ब्लड वेसल्स हैं, थोड़ी पतली ब्लड वेसल्स हैं. तो ये जो थोड़ी मोटी ब्लड वेसल्स हैं, अगर मैं इनको काट के देखूँ, किसी भी आर्टरी या किसी वेन को काट के देखूँ, तो ये ऐसे मोटी ऐसे ऐसे होगी, और इसकी बड़ी सारी लेयर्स होंगी. अब तुम समझ जाओ, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम देखो कोई भी आर्टरी या वेन, यहाँ बाहर इसका फ्री सरफेस है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा. एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द क्या? सिर मेरा. एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द बाउंड्री, द सरफेसेस. तो ऑफकोर्स यहां पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, और सबसे अंदर भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, क्योंकि अंदर भी फ्री सरफेस है, ब्लड बह रहा है ना, कोई और सेल तो नहीं है ना उसके ऊपर, फ्री सरफेस है. बॉडी फ्लूइड से कॉन्टैक्ट में जो सरफेस आता है वो फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा. ऑफकोर्स ध्यान से सुनो, मैं बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है. ये दोनों ही स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों ही स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं. और बीच में जो होता है मसल होते हैं, मसल यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड मसल्स होती है, राउंड राउंड मसल्स, इनको सर्कुलर मसल्स कहते हैं, ठीक है. दे आर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है. दीज आर दोनों आसपास जो है एपिथेलियल टिश्यू. अब इनका नाम कैसे रखते हैं? देखो अभी सीख लो, फायदे में रहोगे, बाद में सीखोगे परेशान होगे. अंदर वाली एपिथेलियल टिश्यू को हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, बाहर वाले बीच वाले मस्कुलर टिश्यू को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, बाहर वाले एपिथेलियल टिश्यू को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं. ट्यूनिका मतलब लेयर, ट्यूनिका मतलब लेयर, ये क्या बात बनी? ट्यूनिक नहीं पहनते तुम, लड़कियां पहनती हैं ना स्कूलों में ट्यूनिक पहनती हैं ना,
अपनी स्कर्ट को ट्यूनिक कहते हैं, तो ट्यूनिक मतलब लेयर कुछ नहीं है, ट्यूनिक इज अ लेयर, ठीक है। सो ट्यूनिका एक्सटर्नल बाहर वाली लेयर, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली लेयर, ट्यूनिका इंटरना अंदर वाली लेयर, ठीक है। अब ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों स्क्वामस एपिथीलियम से बनी हुई है, ये भी हमें पता है पूरा का पूरा। अच्छा, देयर पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्लड वेसल्स आती है एंड हार्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अंदर से हमेशा एपिथीलियम से ही लाइंड होगा, किससे, स्क्वामस एपिथीलियम से। जैसे अगर मैं हार्ट की बात करूं, सपोज आई मेक हार्ट, तुम्हें पता है हार्ट एक छेदू चैम्बर है, छेदू छेद ही छेद हैं इसमें, इट हैज फोर छेद्स, फोर चैम्बर्स हैं। ये भी अंदर से स्क्वामस एपिथीलियम से लाइंड है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अंदर से स्क्वामस एपिथीलियम से लाइंड है, ऐसा समझ रहे हैं आप। स्क्वामस एपिथीलियम सारे सारे चैम्बर्स से स्क्वामस एपिथीलियम से लाइंड है। तो इस स्क्वामस एपिथीलियम का एक स्पेशल नाम है, ये स्क्वामस एपिथीलियम, ये स्क्वामस एपिथीलियम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो अंदर से स्क्वामस एपिथीलियम से लाइंड है, इसे एंडोथीलियम कहते हैं बेटा, ठीक है, इसे एंडोथीलियम कहते हैं। अब कैपिलरी क्या है, देखो इधर, कैपिलरी में कोई मसल नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस सेल्स। स्क्वामस एपिथीलियम के सिंगल लेयर से बना होता है, इतना पतला, इसे भी एंडोथीलियम कहते हैं। पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अंदर से एंडोथीलियम से लाइंड होता है, और एंडोथीलियम क्या है, इट इज स्क्वामस एपिथीलियम। क्लियर हो गया? अब कोई सोचे कि यार ये कैपिलरी इतनी पतली क्यों होती है मैम, और ये आर्टरीज इतनी मोटी क्यों होती है, क्योंकि बेटा आर्टरीज में से ना कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को पकड़ के रखना ऐसे, हैं ठीक है। कैपिलरी का काम होता है चीज़ें एक्सचेंज करना, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अंदर भी आती हैं, तो भैया पतली लेयर चाहिए ना, तो कैपिलरी इसलिए सिंगल लेयर्ड होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। मैम गुरजीत सर इज बेस्ट फिजिक्स टीचर, सोहेब अख्तर थैंक यू सो मच। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, अभी रहो। सो ध्यान से सुनो, एक कैपिलरी की जो लेयर है वो भी स्क्वामस एपिथीलियम है। तो आपके मैं वो बता रही हूँ एग्जांपल, आप एग्जांपल लिखते जाओ, मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। कैपिलरी के अंदर पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम लाइन हो गया, एल्वियोलाई की बाउंड्री, ये सब स्क्वामस, जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, चीज़ें डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। एक पहली बात हो गई। दूसरी बात, किसी ने नेफ्रॉन देखा है? किसी ने नेफ्रॉन देखा है? अच्छा, मैं नेफ्रॉन बना देती हूँ। किडनी में होता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है ये, ऐसा देखो, जिसको नहीं आता देख लो, क्योंकि बहुत काम आएगा ना किडनी वाले चैप्टर में। ऐसा होता है नेफ्रॉन, ऐसा एक ट्यूब होती है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं, किडनी में मिलता है, ठीक है। सो इसका ये जो ऊपर वाला जो कप होता है ना, इसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो ये वाला पोर्शन है इसको कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं। कॉन्वोल्यूटेड क्या होता है, जो चीज मुड़ जाए वो कॉन्वोल्यूटेड है, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ी हुई, टिब्यूल मतलब ट्यूब, पर ये इसके पास है तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कि प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, किसके पास, इसके। ये थोड़ा दूर है, ये भी कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये थोड़ा दूर है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डी से डिस्टल, डी से दूर। ये भी देख लेना किसके दूर पास से बात कर रहे हो, इससे दूर पास बात कर रहे हो। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये जान लो बच्चों, बहुत काम आएगा आगे। सुन लो, जब किडनी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट वाला, तब नहीं दिखाऊंगी, सुन लो अभी ध्यान से। तो बेटा क्या होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ सूसु कैसे बनता है। सूसु ऐसे बनता है कि इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है ऐसा। तो ब्लड कैपिलरी में ऑफकोर्स ब्लड होगा, और ब्लड कैपिलरी में यूरिया भी होगा, यूरिया तो हमें रिमूव करना है बॉडी से। तो यहां से कुछ लिक्विड यहां आ जाएगा बेटा,
ब्लड नहीं आएगा, कुछ लिक्विड आरबीसी वगैरह नहीं आता, कुछ लिक्विड प्लस यूरिया, यूरिया प्लस यू नो वाटर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कुछ और आयंस वगैरह आ जाएंगे, यही आगे जाके सूसू बनेगा, यही पानी आगे जाके सूसू बनेगा। तो ये इसमें से ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें और ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें इसमें से निकल जाती हैं, अच्छी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, बुरी चीज़ें और ऐड करते हैं, यहाँ से निकल के सूसू बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे भी तो डिफ्यूजन हो रहा है ना, कोई चीज़ निकल के यहाँ से आ रही है। देखो कैपिलरी है, कैपिलरी में तो ऑलरेडी स्क्वामस एपिथीलियम है, इसका भी स्क्वामस एपिथीलियम ही होगा। हालांकि बहुत स्पेशल प्रकार के स्क्वामस एपिथीलियम होते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं इन सेल्स को, बट वो तो मैं बाद में बताऊंगी। दिस इज स्क्वामस एपिथीलियम, लूप ऑफ हेल्ले पूरा स्क्वामस एपिथीलियम से बना होता है। इस डायग्राम पे हम बार बार आएंगे, वी विल कीप ऑन रिटर्निंग टू दिस डायग्राम, बिकॉज डीसीटी पीसीटी डीसीटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्क्वामस एपिथीलियम बस अपने को इतना पढ़ना है, अगर तुम लोगों को इतना आ गया तो हमारा नीट में सारा क्वेश्चन आ जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस स्क्वामस एपिथीलियम में इतना आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाकी चलते हैं आगे। इधर लेट्स गो टू कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। देखो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है ये क्यूब्स हैं, इनके सेल्स क्यूब्स हैं विद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स, एंड इनके सेल्स कॉलमनर हैं। इन दोनों का ही काम एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन है, इन दोनों का ही फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन है। इसका क्या मतलब बना, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब यह है कि बेटा कहीं से कुछ एब्जॉर्ब करना है तो ये वाला टिश्यू मिलेगा, और कहीं से कुछ सिक्रीट करना है, सिक्रीट तो ग्लैंड से होता है, तो मतलब आपको ग्लैंड्स में ये टिश्यू मिलेंगे, है ना, ग्लैंड्स में टिश्यू मिलेंगे, क्योंकि ग्लैंड से तो सिक्रीट होता है। सिक्रीट क्या होता है? बाहर निकालना ना, सिक्रीट करना, तो जनरली ग्लैंड्स में पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करनी होती है वहाँ पाए जाने वाले टिश्यू। अब ये ऐसे नॉर्मल शेप में भी मिलते हैं, और कभी कभी इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसा हो जाता है, ऐसे फिंगर लाइक ऐसे बना लेता है, समझ रहे हैं, साइटोप्लाज्म के ऐसे फिंगर्स सी बन जाती हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं ये, ऐसे ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिमिलरली यहाँ पे मिल सकते हैं, ऐसा गया ऊपर, ऐसा भी मिल सकता है। तो जब इन प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहते हैं, जो ऐसे उंगली जैसे प्रोजेक्शन है माइक्रोविलाई कहते हैं, ये मूव नहीं करते, इनका मूवमेंट से कोई लेना नहीं है, डज डू नॉट मूव। तो ये करते क्या, बेसिकली कहीं कहीं पे जहां बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना होता है ना, देखो यार एक तो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, तो नॉर्मल ये वाले मिल जाएंगे आपको, ये वाला मिल जाएगा। जब ज्यादा ही एब्जॉर्प्शन करना है तो सर्फेस एरिया बढ़ा लेते हैं अपना, सर्फेस एरिया से ज्यादा एब्जॉर्प्शन रहता है, इंक्रीज द सर्फेस एरिया एंड दे नेवर मूव। तो कभी भी इसको ऐसे मत इमेजिन करना, फिंगर्स को ऐसे से मत इमेजिन करना, देर लाइक दिस, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया, इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। और यदि एपिथीलियम में माइक्रोविलाई हो, वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर, क्योंकि ब्रश के बॉर्डर जैसा लगता है ना, वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। ये भी ब्रश बॉर्डर है, ये भी ब्रश बॉर्डर है, लेकिन यह है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम, यह है ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथीलियम, समझ रहे हो। सो कॉलमनर और क्यूबॉइडल जो हो सकता है वो ऐसे नॉर्मल सरफेस का भी हो सकता है, एंड दे कैन बी ब्रश बॉर्डर ऑल्सो, जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करनी होगी वहाँ पे ब्रश बॉर्डर। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देती हूँ तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पीसीटी डीसीटी पे आओ, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल होता है, पीसीटी पे भी क्यूबॉइडल होता है, एंड डीसीटी पे भी क्यूबॉइडल होता है। अब जहाँ से यहाँ से जो सूसू आता है ना, एक्चुअली वो पूरा गंदा कचड़ा नहीं है, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चली जाती हैं, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, जैसे बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है यहाँ पे जाके। तो ब्लड वेसल्स ना हटती नहीं है, ब्लड वेसल कहती हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल आ जाती है, ब्लड वेसल कहती है कि जो इंपॉर्टेंट सामान है वो हमारा वापस करो, तुमने गलत ऐसे जानबूझ के छीन लिया हमसे। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें निकल के यहाँ पे ब्लड में वापस चली जाती हैं, बहुत सारी ब्लड जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो सब निकालते हैं, और मैक्सिमम जो चीज़ें निकलती हैं वो पीसीटी में निकलती हैं,
ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि जो ब्लड से आया था वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो रहा है बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्या बोलते हैं ये जब एग्जाम में टर्म सुनाई देगी तो ऐसा नहीं होगा हाय ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है, ऐसा नहीं होगा। इट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी से होती है। तो अगर आपको यहाँ से चीजें एब्जॉर्ब करके यहाँ डालनी है तो यू नीड क्यूबॉइडल, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में क्यूबॉइडल काम आता है। बट यू विल हैव ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल लाइक दिस, ब्रश बॉर्डर अंडरस्टैंड। सो पीसीटी इज नोन फॉर, और ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आता है कि पीसीटी में क्या मिलता है। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, वो कहते हैं मैम यहाँ पे सीलिया मिलता है। बेटा सीलिया नहीं मिलता है, सीलिया बिल्कुल अलग चीज है, सीलिया के बारे में पढ़ाऊंगी। दिस इज माइक्रोविलाई, दिस इज डिफरेंट। अंडरस्टूड। डीसीटी में भी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, यहाँ से ये चीजें एब्जॉर्ब करता है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ ब्लड में डाल देता है। सिमिलरली डीसीटी में भी चीजें यहाँ से यहाँ जाती हैं, रीअब्जॉर्प्शन होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पर इतनी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्यूबॉइडल मिलेगा लाइक दिस, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल। जहाँ पे भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है वहाँ पे ब्रश बॉर्डर कर दो ना, सिंपल सी बात है। वैसे मैं तुम्हें कॉलमनर में एग्जाम्पल देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज। मैं तुम्हें कॉलमनर में एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम याद है? थोड़ा सा भी याद है तो चल जाएगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें याद हो, स्टमक में डाइजेशन होता है फूड का, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बहुत कम चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने याद कराया था स्टमक में कैसे एब्जॉर्ब करना होता है, पता नहीं पुराने बच्चे होंगे उनको याद होगा जिन्होंने मेरे पुराने ह्यूमन फिजियोलॉजी के वो लगाए लेक्चर्स। स्टमक में याद करते हैं दारू से, दारू में हम क्या मिलाते हैं? पानी, और दारू इतनी कड़वी होती है थोड़ी सी चीनी भी मिला लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, दारू, पानी, चीनी। शुगर्स, वाटर एंड एल्कोहल, दे गेट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक, रेस्ट कुछ भी नहीं। बाकी सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज से लेके अमाइनो एसिड से लेके फैट से लेके सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे अब कहाँ जा रहा है? जब मैं बोलती हूँ एब्जॉर्प्शन तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, भैया कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, कहाँ जाएगा एब्जॉर्ब होके? ब्लड में जाएगा ना। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। यहाँ पर मान लो मैं ये लाइक दिस, सो क्योंकि यहाँ से कम चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, यहाँ जो आपको लाइनिंग मिलती है इट इज़ कॉलमनर। स्टमक में कॉलमनर मिलती है, ऐसे नॉर्मल सा कॉलमनर। और जो इंटेस्टाइन में आपको कॉलमनर मिलता है इट इज़ ब्रश बॉर्डर कॉलमनर लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मान लो जैसे ग्लूकोज है, सबसे ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन यहीं पर ही होना है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ही तो काम है। और जितना ब्रश बॉर्डर हो जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे से भी एब्जॉर्प्शन होना है, लेकिन यहाँ से कम होना है, यहाँ से ज़्यादा होना है। ये क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को। आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से कॉलमनर उससे लाइंड होता है, कॉलमनर टिश्यू से लाइंड होता है। कॉलमनर की हल्की सी मॉडिफिकेशन हो जाती है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी सारा कॉलमनर ही चलता है। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों ने थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आइडिया है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिन्हें हम गॉबलेट सेल बोलते हैं। तो ये जो गॉबलेट सेल है ना, दे आर नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर सेल। जैसे मान लो यहाँ पे गॉबलेट सेल, यहाँ मान लो गॉबलेट सेल। सो गॉबलेट सेल इज नथिंग, गॉबलेट सेल ऐसे गॉबलेट की शेप के होते हैं। गॉबलेट क्या होता है? ऐसे कप होता है जिसमें दारू पीते हैं, मतलब अच्छी चीज़ भी पी सकते हो ऐसा नहीं है, पर अपन ऐसा होता है गॉबलेट। तो गॉबलेट सेल्स इस शेप के होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं? ऐसे इनमें म्यूकस भर जाता है ऊपर इतना सारा, तो ये ऊपर से फूल जाते हैं। गॉबलेट सेल्स आर अ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल ही मॉडिफाई हो जाते हैं, ग्लैंडुलर हो जाते हैं। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता है एपिथीलियम जो होती है, एपिथीलियल टिश्यू ही ग्लैंडुलर होता है, तो एपिथीलियल की मॉडिफिकेशन तो हो सकती है ना ग्लैंडुलर टिश्यू में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इट्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ग्लैंड, इट्स अ यूनी सेलुलर ग्लैंड। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, दिस इज अ यूनी सेलुलर ग्लैंड। इसका क्या मीनिंग बना यूनी सेलुलर ग्लैंड? सिखाऊंगी तुम्हें क्या मीनिंग बना।
जो सेल अपनी सिक्रीशन इंडिविजुअली बाहर फेंक रहा है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, कुछ सेल्स मिलके अपनी सिक्रीशन पहले इकट्ठी करते हैं फिर बाहर फेंकते हैं वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। आई टीच यू, डू यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करता है, एल्कलाइन म्यूकस तो नहीं पढ़ते हम, जनरली म्यूकस पढ़ते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस रिलीज करता है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है एपिथेलियल टिश्यू में मैम सीलिया भी होते हैं, सीलिया का क्या काम है? मैम बता दो प्लीज, सीलिया का बता दो ना क्या होता है, बता देती हूँ इसमें क्या बड़ी बात है। प्लस क्यूबॉइडल टिश्यू आपको बहुत जगह डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में भी मिलता है, क्यूबॉइडल टिश्यू आपको बहुत जगह डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में भी मिलता है। अब डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स क्या है, पहले तो ग्लैंड समझेंगे तभी आप डक्ट्स ऑफ ग्लैंड समझ पाओगे। कोई बात नहीं, बता देते हैं क्या है, आओ नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम, आई टीच यू। तो अभी बढ़ा देती हूँ ताकि तुम्हें कंपैरिजन हो जाए सिलिएटेड एपिथीलियम और ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम में फर्क क्या है। ये भी दो प्रकार की हो सकती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम कैन गेट मॉडिफाइड इनटू सिलिएटेड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथीलियम कैन आल्सो गेट मॉडिफाइड, नेवर स्क्वामस, स्क्वामस कभी नहीं, स्क्वामस नहीं मॉडिफाई होता, स्क्वामस के ऊपर नहीं ऐसा होता, क्यूबॉइडल और स्क्वामस इसके ऊपर होता है। इनके ऊपर बेटा जैसे बाल होते हैं ना, बाल अपने बाल प्रोटीन से बने हुए हैं ना, तो वैसे इनके ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं ऐसे, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई तो साइटोप्लाज्म था ना, देखो कितना फर्क है यहाँ पर, ऐसा ऐसा। अब देखो इसमें कंपेयर करो, यहाँ पे दिस इज अ साइटोप्लाज्म, माइक्रोविलाई कुछ और है, सीलिया कुछ और है, माइक्रोविलाई का फंक्शन कुछ और है, सीलिया का फंक्शन कुछ और है। माइक्रोविलाई का सिंपल फंक्शन होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सीलिया दे मूव टू यू नो पुश सब्सटेंसेस फॉरवर्ड। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो सीलिया का काम होता है, सीलिया ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे लहरों की तरह, ठीक है। लहरें देख रहे हो मेरे हाथ की, ऐसी लहरें देखी हैं कभी? ये देखो, डांसर हुआ करती थी मैं कभी, सीलिया प्रोटीन से बने हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। काम क्या करते हैं, मान लो इनके ऊपर कोई सब्सटेंस पड़ा है ऐसे, तो इसको पुश कर करके आगे फेंक देते हैं, ये कभी भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करते। तो सीलिया और क्या कहते हैं जो माइक्रोविलाई, वो बिल्कुल अलग एरियाज में आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक ही साइड की फेलोपियन ट्यूब बना रही हूँ, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। जिन बच्चों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता है, उन्हें पता है कि फेलोपियन ट्यूब कभी इतनी मोटी नहीं होती, लेकिन क्योंकि मुझे फेलोपियन ट्यूब के बारे में ही बताना है तो मुझे बताना है, और उनको ये भी पता है कि फेलोपियन ट्यूब एक नहीं होती, इधर भी एक फेलोपियन ट्यूब है, बट आई एम नॉट शोइंग इट नाउ। दिस इज द ओवरी एंड ओवरी रिलीजेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ योर बॉडी। व्हाट डज इट रिलीज? इट रिलीजेस एग एंड ओवम, महीने में एक बार ये एक ओवम को रिलीज करती है, एंड दिस ओवम इट गोज इनसाइड। क्या करते हैं हम ओवम का बेटा? बच्चे पैदा करते हैं इससे। ओवम जो है जब मेल के स्पर्म से मीट करता है तो वहाँ पे एक नया बेबी बनता है, न्यू बेबी इज फॉर्म्ड। सो हर महीने एक रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल की बॉडी जो है हर महीने एक ओवम रिलीज करती है, बट ओवम यहाँ पे नहीं रह सकता। पहली बात तो यहाँ से यहाँ कैसे आता है बेटा? ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, उनको फिम्बरी बोलते हैं। ये फिम्बरी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, दे आर लाइक दिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये ओवरी के सरफेस को ना हमेशा ऐसे करती रहती हैं, आ दे 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 ओवम दे दे, जैसे ही ओवम आता है उसको कैप्चर कर लेती हैं, ऐसे करके कैप्चर कर लेती हैं। नाउ द ओवम इज हियर, बट ओवम इज नॉट सपोज टू बी हियर, ओवम इज सपोज टू गो हियर। व्हाई? क्योंकि स्पर्म यहीं तक आता है, इस पोर्शन को एम्प्यूला बोलते हैं जहाँ पे ओवम को पहुँचना है। तो ओवम के पैर नहीं है, ओवम इज अ नॉन मोटाइल सेल, विच इज द मोटाइल सेल इन योर बॉडी?
आपकी बॉडी में मोटाइल सेल आप कौन सा पढ़ते हो मेनली? स्पर्म पढ़ते हो बेटा, स्पर्म के पास पूंछ होती है, वो भागता जाता है, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम WBCB, हाँ WBCB भागते हैं, बट बहुत धीरे धीरे। ओवम नहीं भागता, ओवम इज नॉट, यू नो, ऐसा नहीं है कि तुम एक ओवम रखोगे और वो कहेगा बाय बाय चला गया, नहीं, इट कैन नॉट मूव, इट्स स्टेशनरी। हाउ डज इट मूव फ्रॉम हियर टू हियर? ऑफकोर्स जो हमारा टॉपिक है उससे रेलिवेंट है। यहाँ पे पूरे फलोपियन ट्यूब जो है सिलिएटेड कॉलमनर से लाइंड है, इस तरीके से नीचे भी ऊपर भी इस तरीके से, एंड ये जो सीलिया है ये इसको ऐसे ऐसे करके पुश कर रहे हैं, ऐसे करके पुश कर रहे हैं। देखो जब मैं छोटी थी, छोटी भी कहती, जब मैं टीचर भी बन गई थी, तो भी मैं भूल जाती थी कि इनकी लोकेशन कैसे याद रखूँ, तो मैं ना हमेशा अपने दिमाग में इमेजिनेशंस बनाती थी, जैसे यहाँ पे है ना। अब मुझे याद करना है कि पूरे ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉलमनर है, तो मैं कैसे याद करूँगी यार, मैं भूल जाती थी। तो मैं हमेशा अपने दिमाग में इमेजिन करती थी कि भैया कॉलमनर सेल्स जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने चौड़े चौड़े लंबे लंबे होते हैं कि बेचारा खाना भी फंस जाता होगा इनके बीच में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट ये मेरी इमेजिनेशन है, ताकि मुझे याद रह जाए कि यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं कि खाना फंस फंस के निकल रहा है। आई यूज टू इमेजिन दिस। वैसे मैं यहाँ से इमेजिन करती थी कि कॉलमनर सेल्स ऐसे लंबे लंबे हैं सीलिया के साथ, कि बेचारा ओवम फंस जाता होगा इनके सीलिया के बीच में, फिर ऐसे करके आगे जाता होगा। सो प्लीज मेक सम इमेजिनेशंस ताकि तुम्हें याद रहे। अंडरस्टूड? नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम का, जो और भी अच्छा एग्जांपल है। लेट्स टॉक अबाउट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये नाक है, नाक से एयर अंदर गई, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ठीक है। इन ट्यूब्स को बोलते हैं, ये तुम्हारी बेटा ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये तुम्हारा लंग है, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे ब्रेक डाउन करती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, है ना, फिर ऐसे फर्दर ऐसे ब्रेक डाउन करती हैं ब्रोंकियोल्स, इस तरीके से ब्रेक डाउन करती हैं। अब तुम्हें पता है कि जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत सारा धूल मिट्टी डस्ट बैक्टीरिया आ जाता है। वो धूल मिट्टी को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिनको गॉबलेट सेल कहते हैं। जानते हो गॉबलेट सेल्स? अभी बताया था, गॉबलेट सेल्स वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए रखा गया है। दे प्रोड्यूस म्यूकस, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ म्यूकस। म्यूकस ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को। लेकिन यहाँ तो म्यूकस जमा हो जाएगा ना, म्यूकस इज सपोज टू गो समवेयर, आपको म्यूकस फेंकना पड़ेगा ना। तो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे बहुत सारे कॉलमनर सेल्स होते हैं ऐसा, एंड दीज कॉलमनर सेल्स हैव सीलिया, सीलिएटेड कॉलमनर। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको सीलिएटेड कॉलमनर मिलेगा, सीलिएटेड कॉलमनर मिलेगा, सो दैट दे कैन पुश द म्यूकस अप। अभी जाएगा कहाँ पे? ऊपर ऊपर जाके, या तो तुम थूक देते हो, या एक्चुअली यहाँ पे हमारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग भी होता है, तो ये म्यूकस जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। तो कहते हैं मैम डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस चला गया, कुछ नहीं ना बेटा, स्टमक है ना, एसिड है वहाँ पे जला देगा म्यूकस को, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक सिलिएटेड कॉलमनर से लाइंड होती है। अब सिलिएटेड मैम क्यूबॉइडल भी बता दो, कहीं तो बता दो, है ना। ये सिलिएटेड यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है, देन यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल मिल गया। मैडम क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल तो नहीं मिला बेटा, जब थोड़ा नीचे चले जाते ना तो कॉलमनर रखने की जगह नहीं होती होगी ना, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको क्यूबॉइडल वो मिलेगा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल यहाँ पे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जनरली आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जनरली आपको कॉलमनर सिलिएटेड मिलता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जनरली आपको क्यूबॉइडल सिलिएटेड मिलता है। अंडरस्टूड? सो एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि कॉलमनर कहाँ मिलता है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड कहाँ मिलता है, क्वेश्चन आता है सिलिएटेड कहाँ मिलता है। तो आपको ऑप्शन होता है ब्रोंकियोल्स, सही ऑप्शन है, फलोपियन ट्यूब सही ऑप्शन है, ट्रैकिया सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव ये आंसर बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हें? अंडरस्टूड? स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आई होप तुम्हारे दिमाग में ह्यूमन बॉडी को लेके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया बन रहे हैं। इस महीने में ह्यूमन फिजियोलॉजी पेल देंगे हम, चिंता मत करो।
वी विल लर्न लॉट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर फॉर यू इन अ क्रैश कोर्स. आई ट्राई कि मैं जितना फास्ट हो सके करूँगी. ठीक है, चलो आई सी यू. वन शॉट भी बनाने की कोशिश करूँगी. ठीक है, चलो आई सी यू. थैंक यू सो मच. वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको लाइक मतलब अगर करने लायक लगती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं. नहीं तो कई सारे तुम्हें तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, मेरी वीडियोस चली जाएंगी. इसके जस्ट बाद रजत सर की क्लास है, आई थिंक 10:45 बजे. टाइम तो हल्का हल्का चेंज हुआ है ना, आई डोंट नो, पता करके बताऊँगी. सो रजत सर की क्लास है, उनके बाद गुरजीत सर की क्लास है. पूरा क्रैश कोर्स लगाइए, सीखिए और अपने स्कोर को बढ़ाइए. हर्षित दीक्षित. हाँ जी.